इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है कोई सा भी वन प्लस का मोबाइल और उसमें देखिए सेटिंग्स में आकर जब आप नीचे आते हैं और यहाँ डिजिटल बेल्बिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोन यूसेज होने का पूरा पूरा दोस्तों डेली डेटा देखने को मिल जाता है। मतलब आज आपने अपने मोबाइल को कितना देर यूज किया, कितना बार अनलॉक किया, कितना नोटिफिकेशन आया। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे किस किस ऐप को कितना देर यूज किया, यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन रिसीट पर क्लिक करेंगे तो आज कितना नोटिफिकेशन आया और किस किस ऐप से कितना नोटिफिकेशन आया। यहाँ पर क्लिक करके अगर आप यहाँ टाइम ओपन पर क्लिक करेंगे तो आज आपने फ़ोन को कितना बार अनलॉक किया और किस किस ऐप को कितना बार खोला। तो ये जो है आपका दोस्तों फ़ोन यूसेज का डेटा यहाँ पर आपके फ़ोन में दोस्तों दिखता रहता है। तो अगर आप दोस्तों इस फोन यूसेज डेटा को आप दोस्तों डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसको कैसे जो है डिलीट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए वन प्लस फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर नीचे आइए, नीचे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये डेटा तो शो कर ही रहा है। अब इसको डिलीट करने के लिए ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा। मैनेज योर डेटा पर क्लिक करना है। डेली डिवाइस यूसेज का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग्स को बंद करना है। फिर टर्न ऑफ इन सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग का, इस पर क्लिक करिएगा और ये सेटिंग्स आप यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद कर दीजिएगा। जैसे ही बंद कर देंगे तो आपका जो है दोस्तों फोन यूसेज डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर ये चीजें आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा, नहीं दिखेगा। इस तरीके से आप फोन यूसेज डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं वन प्लस में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।